हिसार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। सभी प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लोग शहर में जगह जगह गली मोहल्लों और धर्मशालाओं में एकत्रित होकर अपने पसंदीदा प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को रोटरी क्लब हिसार ने आजाद प्रत्याशी सावित्री जिंदल को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रोटरी क्लब के सदस्य इकट्ठा हुए। वहीं इतने बड़े क्लब का समर्थन पाकर सावित्री जिंदल काफी खुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि इस क्लब का समर्थन मिलने के बाद वोट प्रतिशत में बड़ा अंतर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। देखिए, रोटरी क्लब ने सपोर्ट किया है तो बहुत फर्क आएगा। जितना जिससे चल रहा था उससे एकदम दिखा से डबल हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज सबने आके मुझे समर्थन दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, केजरीवाल आज आए और बिना बात किए चले गए, क्या लग रहा है आपको कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने का? देखिए, हम तो अपने प्रोग्राम में लगे हुए थे इसलिए हमें कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। जी, तो जिस तरीके से समर्थन आपको मिल रहा है और एक तरफा माहौल होता जा रहा है, सब कह रहे हैं कि माता सावित्री जिंदल की तरफ ही जा रही है जीत, इससे कितना उत्साह है आप? देखिए, मैं तो मेरी सार की जो जनता है, जो मेरे सार के परिवार के लोग हैं, उनको ही कहना चाहूंगी और उन्हीं की बदौलत ये सब हो रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा हिसार परिवार मेरा पूरा साथ है। वहीं हिसार में मिल रहे भारी समर्थन के सवाल पर सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार मेरा परिवार है और परिवार का स्नेह ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देगा ताकि मैं अपने विरोधियों को हरा सकूं। अब मुझे सिर्फ मतदान की तारीख का इंतजार है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।